राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? लगातार अपडेट में देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दोपहर 1 बजे आई रिपोर्ट में भी 126 लोग नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कि एक दिन का डेटा होता है, 24 घंटे का डेटा होता है। जी, पॉजिटिव की प्रदेश में संख्या बढ़ती जा रही है और अब प्रदेश सरकार की जो चिंताएं हैं उदयपुर को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से देखा जाए तो उदयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। और उसमें बात करें आज की, तो आज 46 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं उदयपुर में। और उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव की अब तक संख्या की बात करें तो अब जो उदयपुर में संख्या 179 हो चुकी है, जो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वही बात करें तो जयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, आज 17 कोरोना पॉजिटिव आए और जयपुर में सबसे अधिक 1236 कोरोना पॉजिटिव है। मौतों की संख्या की बात करें तो वो वहां पर भी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव की मौतें हुई है, जिसमें 58 कोरोना पॉजिटिव अब तक की मौत हो चुकी है। हालांकि जो राहत भरी खबर जयपुर को लेकर यह है कि जयपुर में जो 1236 कोरोना पॉजिटिव आए उनमें से 783 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं और 706 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अब तक घर जा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस में भी बात करें तो अब जो 395 कोरोना की जो एक्टिव केस है वही अब शेष बचे हैं। इसी तरह बात करें जोधपुर में, तो जोधपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और जोधपुर की संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो 875 हो चुकी है। और अब यह भी हो गया है कि जो जोधपुर में कोरोना एक्टिव केस के मुकाबले जो डिस्चार्ज होने वाले जो ठीक होने वालों की संख्या है वो काफी नजर आ रही है। और वहां पर भी बात करें तो जोधपुर में भी 875 में से 441 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, जो आधे से अधिक संख्या है कही जा सकती है। इसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में जहां 3940 कोरोना पॉजिटिव है उनमें से 2264 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि करीब 58% जो कोरोना की जो पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, जो एक रात भरी खबर प्रदेश के लिए है। और उनमें से भी 2000 को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि करीब 50% जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये राहत भरी खबर कही जाती है। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर राहत भरी खबर ये हो सकती है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है राजस्थान में, रिकवरी रेट अच्छी देखने को मिल रही है और मोर्टिलिटी रेट भी अगर देखी जाए तो बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और जब से मॉडिफाइड लॉकडाउन और जब से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की छूट मिली है, शराब की दुकानें खुली हैं, उसके बाद से अगर डेटा अगर देखा जाए तो लगातार पर डे जो डेटा आता था उस डेटा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूट कोज क्या है, क्योंकि सीमाएं सील हैं, प्रदेश की सीमाएं सील हैं, हवाई सेवा बंद है, बाहर से लोग आ नहीं रहे, लेकिन यह संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रूट कोज क्या निकल करके सामने आ रहा है, जो लोग संक्रमित निकल रहे हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या निकल करके आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स है वो अब लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। बात करें तो आज ही कोरोना पॉजिटिव मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के 3 और जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में जहां वो रह रहे थे, हालांकि वो एक सरकारी होटल में ठहरे हुए थे, इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन काम के दौरान कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हुए हैं। इसी तरह कोरोना वॉरियर्स और साथ ही साथ सुपर स्प्रेडर्स है वो कोरोना के जो पॉजिटिव है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो चिंताएं हैं वो लगातार इसी को लेकर बढ़ती जा रही है कि सुपर स्प्रेडर्स जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बात करें सरकार की ओर से तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के जो बाहर निकलने के लिए जो निर्देश दिए हैं या फिर आवागमन के लिए जो निर्देश दिए हैं उससे एक और बार खतरा है फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 12 घंटे का पीरियड होता है, इस दौरान काफी आवाजाही हो रही है, जो आज पहले दिन ही काफी संख्या में देखने को मिली है, जो एक चिंता है। लेकिन इस को लेकर जमलोचन ने कहा है कि अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, यानी जब तक 70% लोग कोरोना के संक्रमित होकर उनके अंदर वैक्सीन नहीं, जो बात करें तो खुद इम्यूनिटी सिस्टम जो डेवलप हो जाएगा, जो एंटीबॉडी कोरोना की वो बनेगी, वही एक आखिरी जो उपाय है वो कोरोना का कहा जा सकता है, जिस तरह से विशेषज्ञ कहते हैं उसी के अनुसार। तो यही एक जो आखिरी जो चारा है वो अभी नजर आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन सरकार की ओर से इतना। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने अपडेट दी राजस्थान में किस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, लगातार संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो वहीं सरकार भी लगातार प्रयास में जुटी है कि किसी न किसी प्रकार से इस संक्रमण के रेट पर काबू पाया जा सके, संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके।
वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों की